नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज मैं मौजूद हूं AIR लेन गली पर, जहां पर आज एक अल हाजी अबू बकर फार्मेसी एंड क्लिनिक का जो है उद्घाटन हुआ है। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के DC साहब आए हुए थे, इनॉग्रेशन हुआ और इस वक्त हम आपको बताना चाहेंगे अल हाजी अबू बकर क्लिनिक जो है 40 साल पुराना क्लिनिक है जो डिलानीपुर पर मौजूद था। हम आपको बता दें कि इस क्लिनिक से जो है गरीब तबके के लोग और बहुत सारे मजदूर लोग, ऑटो ड्राइवर्स जो है, इनको काफ़ी भरोसा है इस क्लिनिक से, क्योंकि ये जो क्लिनिक पहले चला रहे थे अबू बकर हाजी साहब, बोलते हैं कि उनका हाथ लगने से ही केवल काफ़ी है, मरीज़ ठीक हो जाता है और चीज़ को जो है इन्होंने समेट कर रखा हुआ है, संजो के रखा हुआ है। मजीद साहब जो है क्लिनिक का देखरेख कर रहे थे, वे आज जो है एक स्टेप और आगे बढ़कर जो है यहाँ पे क्लिनिक के साथ साथ फार्मेसी को भी यहाँ पर लेकर आ गए हैं AIR लेन में। सबसे पहले सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक वन एंड ऑल हु हैव कम हियर ऑन अ शॉर्ट नोटिस, और हमारे इस खुशी में आप सब शामिल हुए हैं। और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे DC साहब का, ही इज़ माई बॉस ऑल्सो एज सेक्रेटरी RD। In spite of his busy schedule, he found took time for this small event, and we are very thankful to you, sir. At the same time, I wholeheartedly welcome you to this inaugural program of Al Haji Abu Bakr Healthcare. We are, sir, fortunate and divine to have with us our Sayyid sir. He is a Muslim scholar, renowned and respected in Andaman Nicobar Islands. He is from Kerala, Malabar, sir. Actually, yes. So over the past 4 years, he has been here rendering their service, and we are also joined by various other community leaders, our counselor and social worker Raj Vihya is there, and we welcome you all to this program. Al Haji Abu Bakr Health Care का अगर मैं बताऊँ तो I think Abu Bakr जो नाम है ये मुझसे ज़्यादा आप सभी लोग ज़्यादा समझते हैं और जानते हैं। जब भी कभी बाहर किसी से बात होती है, बात होता है कि हम ये फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं तो कभी उनको डायरेक्टली देख नहीं पाया हूँ, तो ये सुनने को मिलता है कि ही वॉज अ मेल नर्स इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी ड्यूरिंग दिस टाइम एंड सून आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही स्टार्टेड दिस एस्टेब्लिशमेंट। सो दिस इज अ 40-year-old एस्टेब्लिशमेंट। सो 40 साल पहले उन्होंने इसका शुरुआत किया था, एंड अब उसके बाद आर फादर इन लॉ सर अब्दुल मजीद, ही कंटिन्यू द लेगेसी एंड नाउ जॉइंटली आर माई डियर वाइफ एंड फादर इन लॉ बोथ आर टेकिंग आफ्टर दिस थिंग। एंड जहाँ तक सर इस क्लिनिक का बात है, ये क्लिनिक यहीं से शुरू हुआ था, मतलब द टाइम आर ग्रैंडफादर स्टार्टेड फ्रॉम हियर, and now we are so emotional that it has come back to the same place. So it's a very emotional moment for all of us. More than me, I would say my dear father-in-law, my wife, it is a very emotional moment for them, because it is the respect, it is the footsteps of our father, our grandfather, that we have come all this way. Now we are known in the society because of them. जितने यहाँ पे लोग आते हैं, मतलब गरीबी रेखा या उससे एवरेज लोग आते हैं, सो वी गिव अ वेरी इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट हियर। दिस इज नॉट बीन फॉर द लास्ट ईयर बट फॉर द एंटायर 4 डेकेड्स। आज इस हेल्थ केयर क्लिनिक का फार्मेसी का उद्घाटन हो रहा है। हमारे साथ काउंसलर साहब भी हैं, सीनियर साहब भी हैं, यूनस उनकी वाइफ
फादर इन लॉ कम्युनिटी के सब लोग आए हैं, तो मुझे बुलाने के लिए, उतना प्यार से बुलाने के लिए, इतना सम्मान करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं और उनके याद में कोई चीज़ करते हैं। तो आज मुझे जिस तरीके की रिस्पेक्ट यूनिस बता रहा है उनके दादाजी की थी, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें ऐसे ही अपने जो परिवार में, समाज में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने लोगों के लिए, समाज के लिए अच्छा किया है, उनके नाम पर अगर हम कुछ करते हैं, उनकी यादगार में अगर कुछ करते हैं, और स्पेशली ऐसा एक अच्छा काम हेल्थ केयर का लोगों के लिए, ताकि लोगों का भला हो आइलैंड्स में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आके। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, माई बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। बढ़िया से चलाएं क्लिनिक, लोगों का जितना भला हो सकता है, जितना लोगों की हेल्प हो सकती है इस क्लिनिक के थ्रू, वह करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अल्हाजी अबूबकर हेल्थ केयर के डॉक्टर साहब फरीदा जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है मैम, एक फार्मेसी से आज आप एक क्लिनिक खोल दिए हैं, और काफ़ी चर्चित है अबूबकर हाजी का जो क्लिनिक है या फार्मेसी था, काफ़ी चर्चित है लोगों के बीच में, जहाँ पर जो है गरीब से गरीब और मिडिल क्लास के लोग जो है काफ़ी भरोसा करते हैं आपके ऊपर में। कैसा लग रहा है मैम, और बताइए हमें कि यहाँ के लोगों को आप किस तरह का सेवा प्रदान कर सकते हैं? जैसा कि आपने सुना, जो हमारे क्लिनिक का नाम है अबूबकर, जो नाम है वो हमारे दादाजी के नाम पर है, और आज हमारे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। ये उनका ही सपना था कि एक क्लिनिक सेटअप होना है जहाँ पे हम अपने आइलैंड्स के लोगों को अच्छी तरह से सेवा कर सके, उनको बेटर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे थ्रू ये लेगेसी आगे जा रहा है, और मेरा यही कोशिश रहेगा कि जितना नाम उन्होंने कमाया है, एटलीस्ट उससे ज़्यादा ना हो सके तो भी उससे कम ना हो ये नाम, ये इसी तरह आगे बढ़ते रहे इंशाल्लाह। तो आज बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत इमोशनल भी हूँ साथ ही साथ। मैम, हमने देखा है और हमने सुना भी है कि काफ़ी जो गरीब तबके के लोग हैं, फिशरमैन हो गए, लेबर्स हो गए, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, और मिडिल क्लास के लोग भी जो हैं वो अबूबकर हाजी के जो फार्मेसी है उस पर जो है काफ़ी भरोसा रखते हैं। और मैंने भी बचपन से ही देखा है कि जो नाम है, ये नाम ही केवल काफ़ी, और लोग कहते हैं कि इनके हाथों में कुछ जादू है जो जाने से जो है बहुत जल्दी हीलिंग हो जाता है, बहुत जल्दी उनका सारा तकलीफ़ दूर हो जाता है। तो क्या आप में भी वो चीज़ रहेगी कि लोग आपका भी नाम कल को पुकारें? मैं कोशिश तो करती हूँ कि मेरे हाथों से मैं जिसे भी इलाज करके भेजती हूँ वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होकर ही जाए। और अभी मैं 4-5 साल से ये सर्विस में हूँ यहाँ पे आइलैंड्स में पढ़ाई करने के बाद, तो आज तक मैंने खुद तो किसी से कोई नेगेटिव कंप्लेंट सुना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे मेरा यही कोशिश रहेगा कि इसी तरह लोगों को अच्छी तरह से पेशेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सके। मैम, हमने देखा है कई बार आपके जो क्लिनिक में जो है काफ़ी भीड़ रहती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान रहते थे कि उनको बाहर खड़ा रहना पड़ता था। मेरे ख्याल से अब वो नौबत नहीं आएगी, जो भी पेशेंट आपके हैं और आपको जो मानते हैं वो जो पेशेंट है वो आएंगे, तो उनके लिए बैठने का और अगर उनको IV वगैरह चढ़ाना है तो उनके लिए सफिशिएंट जगह अभी आपके पास है, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? हमारा वहाँ जो पुराना क्लिनिक है उसे चेंज करके यहाँ न्यू क्लिनिक सेटअप करने के पीछे का मेन रीज़न यही था कि जो पेशेंट्स आते थे उनको बहुत तकलीफ़ होती थी, वो हमारे ट्रीटमेंट से तो सेटिस्फाइड थे, बट उन्हें स्पेस में प्रॉब्लम होता था, और हमें भी पता था खुद, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस थे हम उस समय कर नहीं पाए। तो वो सारे जो भी कंस्ट्रेंट्स थे उन सबको पूरा करने के लिए अभी यहाँ पे ये सारे जो भी वहाँ पे ड्रॉबैक्स थे उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने जो नया क्लिनिक सेटअप किया है यहाँ में, हमारा फुल कोशिश यही है कि ना पेशेंट्स को स्पेस में कोई कमी हो, उनको इन केस कोई पेशेंट्स थोड़ा ज़्यादा बीमार है, उनको रेस्ट चाहिए, कुछ देर रहना पड़ रहा है, ये सब में अभी पेशेंट्स को कोई
डरने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ से बाहर खड़ा होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उनको होमली एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिल पाएगा। मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, हमारे माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको? आपके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे अभी जो ये नया क्लिनिक खोल रहे हैं, अभी नहीं, हमारा पहले से ही मिशन यही है कि हमारे लोकल जो कम्युनिटी है उनको कंपैशनेट केयर प्रोवाइड करें, और हम कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो और वो मिनिमम टाइम में रिलीफ पाकर चले जाए। हम खास करके मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि पेशेंट्स को ज़्यादा यहाँ वहाँ भागना ना पड़े, मैक्सिमम उनको जितना जल्दी हो सके वो रिलीफ पा सके। और जहाँ भी मुझे लगता है कि पेशेंट का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है तो मैं उनको समझा देती हूँ कि आपको रेफरल लेना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरा मैक्सिमम कोशिश रहता है, मैं वर्बली पेशेंट से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहती हूँ, उनको बताती हूँ। तो मैं जो यहाँ के आइलैंडर्स हैं उनसे भी यही आग्रह करूँगी कि वो भी डॉक्टर्स के साथ अपना वही रिलेशन रखे जैसा हम उनके साथ रखना चाहते हैं, और ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्मूथली चलता रहेगा। तो हमारा जो नया क्लिनिक है अबूबकर क्लिनिक एंड फार्मेसी, अभी जो पुराना डिलानीपुर बस स्टैंड के पास था वहाँ से शिफ्ट होकर अभी कम्युनिटी हॉल के पीछे तरफ में शिफ्ट हो गया है। तो मैं अपने रेगुलर पेशेंट्स और नए लोगों से सभी से आग्रह करूँगी कि आप यहाँ पे आए, अपना इलाज करवाए, और मेरा यही कोशिश रहेगा कि यहाँ पे आके आप अपना हीलिंग पाकर ही वापस जाए। धन्यवाद। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि जैसे अल हाजी अबू बकर क्लिनिक यहाँ पे आज इनॉग्रेशन हुआ है, जहाँ पर आज डीसी साहब आए हुए थे, साथ ही हमारे वार्ड के सोशल वर्कर आर के राज भी हमारे साथ उपस्थित है, और जो है यहाँ के लोकल ही हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये अल हाजी अबू बकर क्लिनिक और फार्मेसी खुलने से यहाँ के वार्ड के लोगों को और बाकी लोगों को क्या सुविधा हो सकता है इससे? सबसे पहले आज तक न्यूज़ के एडिटर हमारे रहमान भाई को नमस्कार, और आज हमारे वार्ड नंबर 7 में जो हाजी अबू बकर हेल्थ क्लिनिक का जो ओपनिंग हुआ, जो आदरणीय डिप्टी कमिश्नर अर्जुन शर्मा जी IAS आए, तो अपने आप को मैं धन्य मानता हूँ कि हमारे वार्ड में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। ये क्लिनिक से हम तो यहीं पैदा हुए और हम बचपन से जुड़े हुए हैं। जब भी ये वार्ड होता है, वार्ड नहीं जानते थे हम, तो ऐसी जनता थे, तो उस समय जब भी छोटा किसी को भी बीमार होता था हम लोग से सुनते थे, तो बहुत कम क्लिनिक हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे था, गवर्नमेंट जी पन था और इन पास में ही, तो लोग के जबान में एक ही शब्द था, भाई अबू बकर के वहाँ चल जाओ, अबू बकर के वहाँ चल जाओ, ये हम सुनते आए थे। तो आज एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे मोहम्मद अली जी चला रहे हैं, तो ये क्लिनिक हमारे वार्ड के अंदर है, तो हमारे लिए हम बस बोल सकेंगे कि डिप्टी कमिश्नर अर्जुन शर्मा जी यहाँ पर अपना बहुमूल्य टाइम दिए, और हमारे वार्ड के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रात बेरात कुछ भी हो तो हम यहाँ के क्लिनिक बंद होने से भी हम दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, इतना अपना में फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा मोमेंट है। और यहाँ पे जितने शिरकत करें हमारे अच्छे गणमान्य लोग, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस क्लिनिक में उद्घाटन में समारोह में हिस्सा लिए, धन्यवाद। अंडमान निकोबार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के प्रेसिडेंट श्री विवेक मिश्रा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो फार्मेसी पहले था, जो लोगों की ज़ुबान पर शुरू से था और आज ये क्लिनिक बन गया है, क्या लगता है सर कैसे सर्व करेंगे रोगियों के लिए? बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि मार्केट में अबू बकर हाजी या पब्लिक मेडिकल ये एक ऐसा विश्वसनीय नाम है जिस पे लोगों को ट्रस्ट है, पहले से भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसको इन्होंने और ग्रो किया है, सेकेंड जनरेशन में शिफ्ट किया है। और मैं इसी माध्यम से डॉक्टर फरीदा बीबी को भी मैं बधाई भी देता हूं और उनको धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने अपने इस पुराने जनरेशन को आगे ले जाने के लिए एक नया स्टेप लिया है, और उम्मीद है कि सीरिया के लोग इसमें काफ़ी अपना फ़ायदा उठाएंगे और उसका लाभ लेंगे, और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राशन रशीद फाउंडेशन के रशीद जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि यह जो अबू बकर क्लिनिक खुला है इससे लोगों को किस तरह का फ़ायदा हो सकता है? सर जय हिंद। सर जय हिंद। बोलिए सर, आप इस इनॉग्रेशन फंक्शन में आए हो, इस बस्ती के लोगों को और यहाँ के जो भी गरीब
परिवार है, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको काफ़ी उम्मीद रहती है अलाजी अबू बकर क्लिनिक से, जो पहले डिलानीपुर में स्थित था, आज यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ के लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं अलाजी अबू बकर क्लिनिक के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि अलाजी अबू बकर क्लिनिक हमारा आइलैंड्स पे नियर अबाउट 40 ईयर्स से सेवा अपना दे रहा है और बहुत ही एक जाना माना नाम है, और 40 ईयर्स के इस सफ़र को आज एक स्टेप और इसका एक बढ़ावा हुआ है। तो जैसा जो भी यहाँ के जैसा पूछ रहे हैं बस्ती के लोग, नहीं अलाजी अबू बकर क्लिनिक तो जैसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मतलब जो भी एक भरोसा का एक नाम के तौर पर उनको लिया, उनका क्लिनिक का नाम लिया जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज उन्होंने इतना एक अच्छा एक सेटअप यहाँ पे किया, इसको एक अपग्रेड किया। तो ऑब्वियसली बस्ती वालों को और आसपास के लोगों को और बाकी भी जो आइलैंडर्स हैं जो आके यहाँ पे अपना सेवा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यही कहूँगा, बहुत बहुत बधाई हो पूरी टीम को कि इतना पुराना एक नाम, इतना पुराना एक हॉस्पिटल जो आज प्रोग्रेसिव तरीके से एक और यहाँ पे क्लिनिक का एस्टेब्लिशमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि अल हाजी अबू बकर क्लिनिक और फार्मेसी दोनों एक साथ आज यहाँ पर उपलब्ध है, और ये जो डिलानीपुर बस स्टैंड के सामने हुआ करता था ये यहाँ से शिफ्ट होकर जो है AIR लेन में आ चुका है। बस स्टैंड के वहाँ पर ना जाकर AIR लेन की तरफ आए और इसका सुविधा उठा सके। मैं आपको बता दें कि ये जो लोकेशन है ये डिलानीपुर कम्युनिटी हॉल जो है उसके डायरेक्ट बैक साइड वाली जो रोड है वहीं पर है, और ये अल हाजी अबू बकर क्लिनिक जो है और फार्मेसी जो है आज आपके सुविधा के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। जो डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं फरीदा जी, ये भी काफ़ी जैसे उनके दादा हुआ करते थे वैसे ही फरीदा जी भी जो है पेशेंट के साथ जो है एक मिलनसार रवैया रखता है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। जय हिंद, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।